लिया, ये सवाल मैं किया। और फिर जो दिल्ली से मरकजी टीम आई थी, ये सैलाब जुदा इलाकों का दौरा कर रही थी, हाफिज बाबा नगर डीआरडीओ के पास मैं उस सेंट्रल टीम से मुलाकात किया और उनको जाकर गवर्नमेंट का जियो बताया, जिसमें यह कहा गया कि जब कभी सैलाब आता है या बारिश होती है और हमारे हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी बड़ी ज्यादा तादाद में बारिश हुई, यानी 100 साल के बाद, तो उस जियो में लिखा था कि जिस किसी के घर में पानी आता और पानी से, रुक जाइए बैठिए आराम से, पानी आता है और पानी की वजह से, बैठ जाओ भाई, आप परेशान दिख रहे, बोलो बिठाओ उनको, कुर्सी देके बिठाओ, आराम से बैठो प्यारे। हाँ ठीक है, पानी तो नहीं आना तुम्हारे घर में, आया वही तुम्हारी बात करो भाषा में, तू वहां से इतना खरीब आ गया, आ जाओ, पानी की बात हो रही, पानी दौड़ाएंगे मोदी के पास भी। हाँ तो पढ़ो, उस जियो में लिखा कि जिसके घर में पानी आया, पानी से नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट ये बोलती कि रियासती हुकूमत 20% पैसे देंगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 75-80% देंगी। अब ये 10,000 रुपये जो न्याय बोल के शिकायत हो रही ना, अगर मोदी पैसे देते तो एक एक घर को 80,000 से 1,00,000 रुपये मिलता था, कितना मिलता था जो से बोलो, हाँ उन्हें 15 लाख दे नहीं, 1 लाख भी कहां देते उन। अब मैं ये सवाल किया कि आप क्यों नहीं दिए पैसे, कर्नाटका को करोड़ों रुपया दिए, या क्यों नहीं दिया, आखिर हैदराबाद के बसने वालों से नरेंद्र मोदी की सरकार को इतनी नफरत क्यों है, इतनी नफरत क्यों है, इतनी नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं। कर्नाटका में बारिश हुई, वहां पर भी तबाही हुई, करोड़ों रुपया दिए मगर हैदराबाद को नहीं दिए। यह सवाल करना क्या था कि बीजेपी आज ऐसा लगा कि इन पर बिजली गिरी और परेशान हो गए, चारों खाने चित हो गए और बोलना शुरू कर दिए, ओवैसी जिन्ना है, ओवैसी फुला है। यानी आप देखो टीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी, इनकी गुफ्तगू की शुरुआत मजलिस से होती है और खत्म होती है आप तमाम के दूल्हे भाई असदुद्दीन ओवैसी पर। कुछ तो हमने को नहीं है, ये वाजबी सवाल था मेरा, क्यों नहीं दिए पैसे आप। आप बोलते ना पैसों की कोई कमी नहीं, 56 इंच का सीना है, अरे भाई फुट्टी क्या बोलते हैदराबाद में, फुट्टी ढीला नहीं दिए, एक पैसा नहीं दिए। अब ये सवाल करना क्या था कि कोई आके बोल रहा मजलिस को वोट देना मुल्क के मुफाद में नहीं है, मजलिस खुला है। अरे भाई तुम कितना बोलते बोल लो, तुम्हारी बोखलाहट, तुम्हारी ये घटिया जबान जो तुम अपनी जबान से अनाप शनाप बक रहे हो, वो खुला इजहार कर रहा है कि तुम हार मान चुके हो और हैदराबाद की आवाम के पास दिखाने को कुछ नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए तुम हैदराबाद में एक माहौल को पैदा करना चाह रहे हो, फिरका परस्ती के माहौल को पैदा करना चाह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यकीन है कि हैदराबाद का मुसलमान, हैदराबाद का हमारा हिंदू भाई, हैदराबाद का हमारा दलित भाई, हैदराबाद का हमारा ट्राइबल भाई, हैदराबाद के तमाम ईसाई और सिख भाई मिलकर, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो जानते हैं कि 6.5 साल में जब से तेलंगाना बना, अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई फसाद नहीं हुआ। मैं शुक्रगुजार हूं हैदराबाद की आवाम का, मैं सलाम करता हूं हैदराबाद की आवाम को, मैं शुक्रगुजार हूं पुलिस का और लिटिल लिटिल कुंचम कुंचम मजलिस को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, मजलिस को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि हमने वो माहौल को बनने नहीं दिया, हमने हैदराबाद के अमन को बरकरार रखने में अपनी जिम्मेदारियों को निभाया है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है और मजलिस जो है दिल्ली से किसी को बुलाकर, वहां से बुलाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी लड़ाई नहीं लड़ती, मजलिस रोड पे
عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کی بات کرتی ہے, غریبوں کے حق کی بات کرتی ہے, ٹھیلا بنڈی والوں کے انصاف کی بات کرتی ہے, آٹو والوں کے حق دلانے کی بات کرتی ہے. یہ مجلس کی طاقت ہے. ارے تم ادھر ادھر سے کود کے کہاں کہاں سے آ رہے نہیں معلوم. میں ان لوگوں سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہم لوگ ٹھیٹھ حیدرآبادی زبان میں جب کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں ارے ہولے کیا بیگن کے باتا کر رہا, خاموش ہو جا. بولتے نہیں بولتے, بولتے نا, میں بھی بولا بولا, اب کیا کرتے بولو. مطلب میڈیا والے او یو ہیٹ سپیچ دی, ان کے ابا کو بولے بیگن کی بات بولے. ارے تمہارے کو معلوم نہیں تم بیگن سمجھ رہے, ہم الگ بات بول رہے ہیں. یعنی آپ بولیں گے تو اچھا, اور آپ کے باپ کا جواب دیے تو اور کیسا بولے کیسا بولے. یاد رکھو وہ زمانہ چلے گیا, اگر تم کچھ بولو گے تو یہ زبان بھی جواب دے گی. وہ زمانہ چلے گیا خاموش بیٹھ کے ڈر ڈر کے جینے کا. اب کسی مائی کا لال سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ بھارت کے سمویدھان میں سب برابر ہیں, کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں, کوئی مالک نہیں کوئی کرایہ دار نہیں. اب حصے داری کی لڑائی لڑی جا رہی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے. ہم اپنا حصہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر مجلس پر الزام کہ ہم فرقہ پرست ہیں, میں آج چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو, چلو میرے ساتھ اگر دم ہے تو. بیگم بازار کا برج کون سا ہے وہ کیا کر دو, توپ خانہ عثمان گنج کا برج, وہاں پر اولڈ بیگم بازار پولیس اسٹیشن کے پاس 2,55,00,000 کا کام میں بیٹھ کر کروایا. جا کر وہاں کے آپ ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ کون وہ کام کرایا تھا جب ان کے گھر میں دکانوں میں پانی ڈوب رہے تھے. میں سینکشن لے کر آیا اور وہاں پر کام ہو رہا ہے. کیا میں دیکھا وہاں پر میں کچھ خالی تکلیف نظر آئی؟ کیا مجھے وہاں پر کسی کا مذہب نظر آیا؟ کیا مجھے وہاں پر کوئی مسلمان یا ہندو نظر آیا؟ کیا مجھے وہاں پر مسجد یا مندر نظر آئی؟ میں انسانوں کی تکلیف دیکھ رہا تھا. رحمت کو بڑا کہ بناؤ, میں جا کر منظوری لیا کمشنر بلدیا کے پاس بیٹھ کر. آج الحمدللہ وہ کام تقریباً ختم پہ ہے. وہاں پہ ایک پانی کی لائن اور سیوریج لائن ڈلانا ہے, وہ کام بھی منظور کروا دیا میں, کیونکہ میں ایم پی ہوں یہاں کا, یہ ہماری ذمہ داری تھی. مگر بی جے پی کو صرف ایک ہی چشمہ لگا کے دیکھتے, ان کو اسد الدین اویسی نظر آتا خالی, اونلی اویسی. مگر الحمدللہ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, یہ آپ کے اتحاد کا نتیجہ ہے کہ مجلس اور اسد الدین اویسی بی جے پی اور ٹی آر ایس کے دل و دماغ پر چھا چکی ہے. الحمدللہ ان کی سوچ ہم آ چکے ہیں. یہ ہماری کامیابی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ دیکھو یہ جماعت بڑھ رہی ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں, انہی گلی کوچوں میں, انہی گلی کوچوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے چراغ کو آپ نے روشن کیا تھا. یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں آپ کو سلام کرتا ہوں, آپ نے 70 سال پہلے جس چراغ کو جلایا تھا اور جس چراغ کی روشنی سے ہم نے اتحاد کو پیدا کیا, جس چراغ کی روشنی سے ہم نے اندھیروں کو صاف کر دیا, اور وہ چراغ کی روشنی اب بہار تک پہنچ چکی ہے. اور وہ بہار میں الحمدللہ بہار کی عوام نے مجلس کے پیغام کو سمجھا اور مجلس کے 5 اراکین اسمبلی کو کامیاب کیا. تو مخالفین مجلس پر ایسا لگا کہ آسمان گر پڑا ان کے سر پر. پورے ٹی وی پر کیسا جیتے, 5 جیتے, انہوں ہرا کے جیتے, ان کو ویسا کر کے جیتے, تبصرے لکھے جا رہے ہیں میگزین میں, ذکر خیر آپ کی جماعت کا ہو رہا ہے. میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جس بیج کو آپ نے بویا تھا آج الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے ان خوابوں کو پورا کیا جائے. وہ خواب کیا تھا کہ بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کیا جائے, بھارت کے سمویدھان اور آئین کو سامنے رکھ کر وہ مظلوم عوام جس کو بے زبان کر دیا گیا سیکولرزم کے نام پر, ان کی آواز کو سمجھا جائے, ان کے مسائل کو سمجھا جائے, ان کو عزت دلائی جائے, ان سے انصاف ہو. یہ انصاف کی لڑائی کا سفر جاری رہے گا. جمہوریت کو مضبوط کرنے کا کام ہم کر رہے ہیں,
तो कोई अहमक आकर कहता है अरे बाबू सुनो समझो मगर मुखालिफत करना है तो जमहूरियत के आईन के दायरे में रहकर करो, मगर तुम्हारा इस तरह की बकवास को बयान करना हैदराबाद की आवाम के सामने तुम एक्सपोज हो चुके हो कि तुम फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो, तुम्हारे पास बताने को कुछ नहीं है, तो इसीलिए तुम सिर्फ गर्म माहौल कर रहे हो। कभी असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर डर पैदा करना चाहते हो, अरे याद रखो सरजमीन हैदराबाद पर बसने वाला किसी से नहीं डरता। मैं हैदराबाद की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि हैदराबाद का अमन ओवैसी से बड़ा है, हैदराबाद की तरक्की ओवैसी से बड़ी है, और मैं इस चीज को समझते हुए अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं। जो फिरका परस्ती का इल्जाम लगा रहे, बताओ यहां पर हमारे रवि अन्ना, यहां पर हमारे कैंडिडेट, इससे पहले डी मोहन थे, आज हमने रवि को अपना कैंडिडेट बनाया। मैं इनको बरसों से जानता हूं, बरसों से जानता हूं, निहायत ही शरीफ आदमी है, मुखलिस आदमी है, अपने मां बाप की इतनी खिदमत किया कि खुद अभी तक शादी नहीं किया। इस आदमी में इतनी शराफत है। हम रवि साहब आपको एक वादा कर रहे, आप इजाजत दीजिए, आप इजाजत है, देखो सोच लो रवि साहब इंशाअल्लाह ताला हम आपको 4 तारीख को दूल्हा बनाएंगे, इंशाअल्लाह ताला दूल्हा बनाएंगे का मतलब शादी करना नहीं करना उनका प्राइवेट मैटर है, अपन खाली दूल्हा बना दीजिए, जिताकर आपके ओर से इंशाअल्लाह ताला रवि को दूल्हा बना देंगे और कामयाब करेंगे। रवि की यहां से कामयाबी ये सेकुलरिज्म की कामयाबी होगी, रवि की कामयाबी यहां से सही मानों में हिंदू मुस्लिम दलित इत्तेहाद की कामयाबी होगी, रवि की कामयाबी यहां से जो लोग हैदराबाद को भाग्य नगर का नाम दे रहे हैं, बताओ हैदराबाद का नाम बदलना क्या, हैदराबाद का नाम बदलना क्या, अब यूं क्या बोल रहे, ये लड़ाई हैदराबाद और भाग्य नगर की लड़ाई है, और मुझे यकीन है कि हैदराबाद कामयाब होगा, हैदराबादी कामयाब होगा और हैदराबादी कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 दिसंबर के दिन इंतखाबात की रायदही का दिन है, और आपसे अपील कर रहा हूं कि सुबह सुबह अपने घर से निकलिए और अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। इस इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, बैलेट पेपर आपको मिलेगा, जहां पे पतंग का निशान नजर आया, क्योंकि पूरा बल्दिया इलेक्शन जो है दूल्हे भाई के तरफ में फिर रहा, हर कोई हमारे को बोल रहा, कुछ बोलने का नहीं है, बोले कि हम बोले ला मोदी पैसा कितना दिए बताओ, तुम बोले दूल्हे भाई, अरे क्यों नहीं दिए पैसा तो दूल्हे भाई, तो पूरा इलेक्शन जो है दूल्हे भाई के तरफ फिर रहा है। तो मैं हैदराबाद में हम क्या बोलते, जो पूरे पीछे पड़ गए तो क्या बोलते, गरीब की जान सबकी भागी, बोलते नहीं बोलते शर्मानों को अपन बोलते हैदराबाद में बोलते ना, तो इन्हें वही समझ रहे, मगर गरीब की जोरू सबकी भाभी के साथ साथ एक बात तो मालूम हो गई कि तुम आपका जो ये खादिम या खड़ा हुआ है इनको एक ही मर्द नजर आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा इनको, खाली एक ही 1% नजर आ रहा है इनको, ये एक ही खड़ा हुआ है, इसके पीछे पड़ जाओ। अरे पाशा याद रखो, एक की पीठ अगर हम किसकी पकड़ लिए ना तो छोड़ते नहीं उसको भी हम, अब इनको एक की पीठ भी नहीं मालूम, इनको जगन जगह भी नहीं मालूम, इनको बैगन की बाता भी नहीं मालूम, अब 1 तारीख को आपको दिखाना है, क्योंकि हैदराबाद को बचाने की लड़ाई है, हैदराबाद की तहजीब, हैदराबाद की तमद्दुन, हैदराबाद की शनाख्त, हैदराबाद की तारीख, ये यूसुफैन का हैदराबाद है और इसको आपको मजबूत बनाकर रखना है, और ये हैदराबाद ऐसा है जिसके दामन में दुनिया से लोग आए, इसीलिए हम क्या बोलते, मियां जो आके या गंदी पेट का पानी पिया यहीं कहीं छोड़ गया, यहीं कहीं छोड़ गया। तो ये हैदराबाद की सरजमीन है जिस बड़ी जरखेज है, बड़ी मीठी सरजमीन है, इस मिठास को बरकरार रखिए।
और जब आप पहली तारीख को वोट डालने जाएंगे जहां पर पतंग का निशान नजर आएगा, आपको मोहर उठाकर उस निशान पर मारना है। कैसा मारना है? टपाटप 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 मारना। और पहली तारीख के दिन अपनी पतंग को आसमान में उड़ाओ और जो सामने आया शादी में से डाल के खींच देखी देखी देखी। उसके बाद से चार तारीख को उसके बाद घर और मारो पतंग काटो वो तो तुम दखल करो। उसके बाद चार तारीख को इंशाअल्लाह ताला नतीजा निकलेगा। मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि आपके इत्तेहाद और आपके दुआओं की वजह से यहां से मजलिस के उम्मीदवार जनाब रवि कामयाब होंगे। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि आप पूरे अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। मुझे एक और दो जगह पर तकरीर करने जाना है, इसलिए आपसे इजाजत।